अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सभी स्थानों की तर्ज पर नेहरू नगर भेलवा तालाब में भी नगर निगम भिलाई द्वारा योग कराया गया। यहां निगम महापौर नीरज पाल, निगम आयुक्त रोहित व्यास, जिलाध्यक्ष मुकेश चंद्राकर सहित निगम के अधिकारियों ने योग के विभिन्न आसनों को किया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब 21 जून को विश्व योग दिवस मनाने की घोषणा की, तब से लेकर आज तक प्रत्येक वर्ष 21 जून को पूरे विश्व में विश्व योग दिवस मनाया जा रहा है और तभी से भारत देश का सम्मान पूरे विश्व में बढ़ गया है। भारत देश ने पूरे विश्व को करे योग नहे निरोग का नारा दिया। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए नगर पालिका निगम भिलाई द्वारा इस वर्ष भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयोजन किया गया। ये आयोजन नेहरू नगर स्थित श्री गुरु नानक देव सरोवर परिसर में किया गया। इस आयोजन में निगम भिलाई के महापौर नीरज पाल, आयुक्त रोहित व्यास सहित अन्य अधिकारीगण एवं क्षेत्र की जनता ने हिस्सा लिया और योग गुरु के सानिध्य में और मार्गदर्शन में योगासन यहां पर किए गए। योग गुरु ने बताया कि प्रतिदिन योगासन करने से शरीर और मन दोनों ही प्रसन्न रहता है और दोनों का ही विकास बड़ी तेजी से होता है। योग करने से एक ओर जहां एकाग्रता और स्थिरता आती है तो वहीं मुख मंडल की आभा में तेज भी आता है और आज के प्रदूषित वातावरण को देखते हुए योग करना आवश्यक भी है। विश्व योग दिवस पर हुए आयोजन की जानकारी जहाँ भिलाई निगम महापौर नीरज पाल ने दी तो वहीं आयुक्त रोहित व्यास ने अपनी दिनचर्या में योग को शामिल करने लोगों से अपील की। एक दिन तो एक सेलिब्रेशन के रूप में कि आज सारी दुनिया ने योग को पहचाना है कि उसके क्या फायदे हैं और हम जैसे बार बार कहते हैं कि दुख सिर्फ दो ही प्रकार के हैं, मानसिक और शारीरिक, और योग जो है वो दोनों को ही कवर करता है। तो ये आज पूरी दुनिया ने इस शांति का अनुभव किया है और इस शांति का अनुभव आपका कहना सही है, एक दिन में नहीं होता, लेकिन आज हम सेलिब्रेट करते हैं बड़े पैमाने पर। देखिए अधिकारी हैं, सब हैं, हर वर्ग के लोग आज उठ करके आज यहाँ पे आएंगे इस मैसेज को ही पास ऑन करने के लिए कि आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं ताकि हम इस संकल्प के साथ आगे बढ़ें कि हम और स्वस्थ नगर पालिका निगम भिलाई द्वारा जो आयोजन किया गया इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है, हमेशा ही मैंने देखा है कि वो लोग करते हैं, इसमें नगर पालिका का बहुत अच्छा सपोर्ट रहता है और आगे की भी वो चर्चा कर रहे हैं कि आगे भी बहुत सपोर्ट रहेगा, कुछ और की फैसिलिटीज़ चाहिए। तो ये बहुत अच्छी बात है कि प्रशासन जो है वो जब इसके साथ जुड़ता है तो चीज़ें जो हैं वो जन जन तक पहुँच पाती है। आज 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में इसकी मान्यता मिली है, आज पूरा विश्व योग कर रहा है, जो हम पूरे भारत वर्ष के जितने भी लोग हैं सबके लिए गर्व की बात है कि इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज का दिन विशेष रूप से योग दिवस के लिए मनाया तय किया गया, तो निश्चित ही खुशी की बात है। और योग ऐसी चीज़ है जो रोज़ करने की बात है, लेकिन आज के इस दौर में हम लोग अपनी व्यवस्था इतनी बना दिए हैं कि हम लोग समय नहीं निकालते अपने शरीर के लिए, अपने समय नहीं निकाल पाते हैं। आज कम से कम इस योग दिवस के दिन हम लोग स्पेशली यहाँ इकट्ठे होकर आज जो हम लोगों ने प्रयास किया है, ये कोशिश रहेगी कि ये लगातार जारी रहे और इसी तरह जैसे आज इस नेहरू नगर के इस तालाब में, गुरु नानक देव सरोवर में लोगों ने भाग लिया है, इसमें ये इसकी कंटिन्यूटी बनी रहे, लोग लगातार इसको जारी रखें। आज इस योग दिवस पर जुनेजा दंपति दोनों के लिए भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने इतने अच्छे तरीके से योग को, योग हमने भी देखा, टीवी में देखा है और बहुत सारी जगह देखी, लेकिन आज ये जो पिछला एक डेढ़ घंटा है वो इतने अच्छे से उन्होंने योग क्रियाओं को बताते हुए किया है, निश्चित रूप से इसका लाभ हम सबको मिलेगा। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में मैं सभी भिलाई के नगरवासियों को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा। आज हमारे महापौर जी के नेतृत्व में भिलवा तालाब में आज यहाँ के नेहरू नगर के वासियों ने सभी ने मिलकर एक साथ योगाभ्यास किया और जो ये परंपरा प्रारंभ हुई है तो हम ये परंपरा को कायम रखेंगे और जितना ज़्यादा हो सके यथासंभव हम योग को प्रमोट करने का प्रयास करेंगे। भिलाई नगर निगम की तरफ से जो भी यहाँ व्यवस्था की आवश्यकता लगेगी हम पूरा प्रयास करेंगे कि यहाँ पर वो सभी व्यवस्थाओं की पूर्ति की जाए। यहाँ पर आज काफ़ी लोगों ने पार्टिसिपेट किया है योग में और इसको हम निरंतर जारी रखेंगे। और यहाँ पर जो रहवासी है, पूर्व में भी यहाँ पे जो प्रचलित था काफ़ी लोग योगाभ्यास करते आ रहे थे, हमारा ये प्रयास रहेगा कि हमारे जितने भी इस तरह के उद्यान हैं सभी में हम पूरे भिलाई नगर निगम में योग को प्रमोट करें। देखिए एक जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उद्देश्य ये है कि एक परंपरा उससे स्टार्ट होगा,
तो जब 21 को करते हैं तो लोगों को पता चलता है कि उसके बेनिफिट कितने हैं। तो एक दिन निर्धारित करने का उद्देश्य इसमें यही होता है कि उसके प्रति जागरूकता लोगों में बढ़े। ऐसा नहीं है कि कुछ ही लोग करते हैं, पहले तो इतने लोग भी नहीं करते, धीरे धीरे स्टार्ट होता है, कारवा बढ़ता चला जाता है। तो आज जैसे यहाँ पर प्रारंभ हुआ है तो मुझे पूरा यकीन है कि कम से कम 10 लोग भी अगर बढ़ेंगे तो अगले साल 10-10 करते भी बढ़ते जाएंगे, तो काफ़ी एक अच्छा संख्या में बढ़ोतरी होगी। और चूँकि आजकल लाइफस्टाइल डिसीजेज बढ़ते जा रहे हैं तो योग या किसी भी अन्य तरह का अभ्यास बहुत ज़रूरी है। विश्व योग दिवस पर हुए इस आयोजन में उपस्थित जन समुदाय ने योग के प्रमुख आसनों को किया और खुद के अंदर विशेष ऊर्जा का संचार होते हुए महसूस किया। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संतोष शर्मा की रिपोर्ट।